हरदा जिले के डिमनी थाने की पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हासिल हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान होशंगाबाद रोड पर एक बिना नंबर की हीरो डिलक्स के चालक को रोककर जब उसका नाम पूछा गया तो उसके द्वारा अपना नाम शंकर पिता अजब सिंह निवासी मंडी गेट टिमरनी बताया। उसके बाद जब वाहन के कागजात पूछे गए तो वह कुछ नहीं बोल पाया। जब वाहन के 34 नंबर से पता किया तो उक्त बाइक नर्मदा पिता रमेश बलिया निवासी बोरीसराय हरसूद जिला खंडवा के नाम पर दर्ज थी। चोरी की बाइक होने के चलते शंकर पर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उक्त बाइक खेड़ीपुरा हरदा से चोरी की गई थी। वहीं एक और सीडी डिलक्स दर्जी मोहल्ला टिमरनी से चुरा कर घर में छुपा कर रखने की बात कही। टिमरनी से हमारे संवाददाता जितेंद्र गुजरे ने बताया कि पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी मनोज सिंह SI मदन पवार राकेश सरयाम सहित पूरे स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। सर आज टिमरनी पुलिस द्वारा जो वाहन चोरों को पकड़ा है, सर ये क्या है पूरा मामला? कल दिनांक को वाहन चेकिंग के दौरान में सूचना प्राप्त हुई थी कि टिमरनी निवासी शंकर गौंड जो मंडी गेट के सामने रहता है उस एक बिना नंबर की गाड़ी लेकर के निकला है। उसकी सूचना पर तत्काल फोर्स के द्वारा नाकाबंदी की गई। उसका वाहन को चेक किया गया तो उसके पास में एक ग्रीन कलर की गाड़ी प्राप्त हुई। उससे वाहन के कागजात पूछे गए तो उसके पास कोई वाहन के कागजात होना नहीं पाया गया। उसको हमरा लेकर के थाने आए। चूँकि टिमरनी में पहले मोटरसाइकिल चोरियाँ होती रही हैं और यह व्यक्ति संदेह के घेरे में काफ़ी दिनों से पुलिस के नज़र में था तो इससे अन्य वाहनों के बारे में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक वाहन जो हरदा क्षेत्र का है घंटाघर के पास से चुराना बताया जो वो उपयोग में ले रहा था तथा दूसरा वाहन मोटरसाइकिल जो टिमरनी के ही उसी के मोहल्ले के रहने वाले की थी उसको भी उसने चोरी करना बताया था कबूला था जिसकी निशादेही पे उससे वाहन जब्त किया गया है। आगे और पूछताछ की जा रही है, विवेचना जारी है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर पता चला है कुछ कि ये वाहन किसके हैं? ये दोनों वाहनों के मालिक ज्ञात हैं, दोनों में अपराध पंजीबद्ध है जी और दोनों मालिकों को सूचना दी थी जी। धन्यवाद।